तो आ चुके अपने नए ब्लॉग के साथ और आज अभी हम है न्यू दिल्ली। तो आ चुके अपने नए ब्लॉग के साथ। वृंदावन का ये सफर फिर से शुरू होने वाला है पिछले साल की तरह। और हमारे साथ आ चुके हैं मिस्टर जीवन वर्मा। यो सारे प्लान मैं ही बना रहा हूँ जाके, ठीक है। ये हमारा बहादुर साहब। पिछली बार से थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है ट्रेन का, खासकर क्योंकि पिछली बार हम लोग धक्के खा के गए थे। तो पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन पे और भाई साहब मिले हैं। ये एक्चुअली मथुरा से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिरुद्ध जी। क्या बदमाश है? तू क्या करेगा? तुझे मारूंगा मारूंगा, चले जा यहां से। ओके होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, होली होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग। एक साल बाद दोबारा मिले हैं। एक साल के बाद मैं मुकेश भाई से मिल रहा हूँ और होली के शुभ अवसर पे। ओ होरी है शोर मचा रहे। ओ झोली भर के, हाँ झोली भर के गुलाल की मारी। जय कन्हैया लाल की। राधा बल्लभ जा रहे हम लोग दुनिया सारी। और झूम रही होरी खेल रहे, हो होरी खेल रहे, होरी होरी खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। देख सखियन के मन हर शा रहे। और भाई साहब बहुत ही आनंद आ रहा है। पिछले साल तीन थे, इस साल चार हो गए। अगले साल का कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओ मेरे माँ के बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। उनके संग में, उनके उनके संग में, हाँ उनके संग में है राधा प्यारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी। पिछले साल जिन गलियों से हम गुजर के जा रहे थे निधिवन, सेम उसी गलियों में फिर से लौट आए हैं हम दोबारा निधि भवन के लिए। निधि वन है, निधि वन बांके बिहारी
आज रंग बरस रहा। नंदलाला ने धूम मचाई है, ओ आज नंदलाला ने धूम मचाई है, ओ प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। वन सेकेंड आ चुके हैं एक साल के बाद केसी घाट पे। और भाई साहब पिछली बार से बहुत बेहतरीन नजारा है, अभी बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। तेरे बाद क्यों जाती है जल्दी नॉर्मल रखवा दे, इस चीज को कट करेंगे। एक्सपीरियंस एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि पिछले साल किसी रीजन से हम लोग बोट की सवारी नहीं कर पाए थे, बट इस साल हम लोगों ने ये मौका बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दिया। पंजाब कभी खुद से सवाल किया है कि जहाँ हो वहाँ खुश हो, कभी कोशिश की है अपने कीमती वक्त से निकाल के खुद को समय देने की, कभी खुद से पूछा है ये दुनिया कहाँ खत्म होती है, कभी कोई बहाना बनाया है कि यूं ही बस कहीं भी निकल जाने का। अगर इन सब का जवाब आपके पास ना है तो इन सब का बस एक ही जवाब है, घूमना, सफर करना, और तब तक घूमना जब तक रास्ते ना थक जाए, मंजिलें ना मिल जाए, ख्वाहिशें ना सिमट जाए। ये जो सफर है ना रास्तों के लिए है ना मंजिलों के लिए है, ये सफर है एक नई सोच का, एक नई चाहत का, एक नई तलाश का, तलाश खुद के वजूद की, तलाश नई चाहतों की, तलाश नई ख्वाहिशों की। ये सफर है एक उम्मीद का, उम्मीद नई शुरुआत की, उम्मीद नई खुशियों की, उम्मीद कुछ कर दिखाने की। ये सफर है एक अजीब से नशे का, नशा अपनी बेपरवाह खुशियों का, नशा एक जगह ठहर जाने का, नशा खुद से आगे निकल जाने का। ये सफर है उन अनजान रास्तों पे निकल जाने का जहां बस तुम हो, तुम्हारी खामोशी है और तुम्हारा संगीत है। ये सफर है सफर को मंजिल बनाने का, क्योंकि जब सफर ही मंजिल है तो फिर बस क्या बहाना चाहिए सफर पे निकल जाने का। भाग खेलन गोपाल बरसाने में, गावे ख्याल दे दे ताल उर हर्षत है।
इतते किशोरी गोरी सखियन के यूथ महान लेके अमीर पे कपोल पर सत है ओ लेके अमीर पे कपोल पर सत है कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने लाल बलबीर अंग प्रति दर्शत है छतन ते छजन ते झरोखन ते मोखन ते आज नंद लाल पे गोलाल बरसत है ओ आज नंद लाल पे गुलाल बरसत है होली खेल रहे ओ होली खेल रहे हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा ओ होली खेल रहे फाइनली हम आए प्रेम मंदिर जिसका वृंदावन अधूरा अधूरा है किस मंदिर का यहाँ पर लोग आते हैं और इस मंदिर की जो खूबसूरती है इसकी वाइट टाइप से क्यूटनेस है तो लोगों की ना यहाँ आंखें भर देती है नूर भर देती है इतनी हिंदी आ रही है मेरे पे हिंदी आकर्षित करते है मंदिर और जैसा आप देख रहे हो हमारे फेस पे भी एक अलग सी लाइट आ गई है एक ग्लो आ गया यहाँ सूरज की रोशनी सूरज पूरे मथुरा में बट यहाँ पे आने से अलग सा क्योंकि यहाँ हमारे कृष्ण राधे बसते हैं कहा जाता है कि इस मंदिर में राम बसते श्री कृष्ण बसते हैं श्री कृष्ण बसते हैं तो फिर से आपको प्रेम मंदिर के दर्शन करवाने आ चुके हम और इस बार कुछ नया नजारा आई थिंक देखने को मिलेगा तो देखते हैं क्या सब होगा प्रदीप बहादुर आपकी क्या राय है इस पे अबीर गुलाल के बादल छा रहे ओ अबीर गुलाल के बादल छा रहे प्रेम मंदिर का नजारा भाई हम अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते आपको आके ही यहाँ पे उन सभी चीजों का आनंद लेना होगा ये चीजें खुद से एक्सपीरियंस करने वाली ये खुद से एक्सपीरियंस करने वाली चीजें होती है आपको कोई कितना भी बता दे कितनी खूबसूरत जगह है ये कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे और भी कुछ भी चीजें बट जब तक आप आके यहाँ पे खुद पे खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे खुद चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप वो फील नहीं कर पाओगे वो आनंद नहीं उठा पाओगे तो आई सजेस्ट यू एवरीवन कि आप सभी लोग आए यहाँ पे और दर्शन करें और आनंद उठाएं और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा होरी खेल रहे हो होरी खेल रहे होरी होरी खेल रहे बांके बिहारी आज बादल ने हमारा जो मौसम कर जा रहा है जन्मी बापू बोल सकते हैं